अगर आपने एक नया YouTube चैनल बनाया है तो नया YouTube चैनल बनाने के बाद उसमें कौन कौन सी जो जरूरी सेटिंग है, जो कि बेसिक सेटिंग है, वो करना बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपने एक नया YouTube चैनल बना रखा है, यानी कि अभी हाल ही में आपने एक नया YouTube चैनल बनाया है, तो नया YouTube चैनल बनाने के बाद उसमें कौन कौन सी सेटिंग करना चाहिए। मेरा नाम है सूरज यादव, आपका स्वागत है मेरे चैनल सूरज यादव पर। मेरे चैनल पर आपको ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करें। नए यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक नया यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप एक नया YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप मोबाइल से एक नया YouTube चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने एक नया YouTube चैनल बनाया है तो नया YouTube चैनल बनाने के बाद उसमें कौन कौन सी जो जरूरी सेटिंग है, जो कि बेसिक सेटिंग है, वो करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप कोई भी सेटिंग अगर भूल गए तो आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो इधर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप एक नया YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं, तो आपको सबसे पहले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। यहां पर देखिए क्रोम ब्राउजर दिया होगा ये, तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां जो ऊपर लाल कलर का दिखा है, आपको यहां पर क्लिक करके सबसे पहले अपने जो क्रोम ब्राउजर को उसको डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल में होगा, देखिए यहां पर मैंने डेस्कटॉप मोड पर डेस्कटॉप साइड पर टिक लगा हुआ है। आपको करना क्या है, अगर आपका यहां टिक ना लगाओ तो आपको सबसे पहले यहां पर टिक कर देना है, जिससे कि आपका जो ये है ये पूरा डेस्कटॉप वर्जन में चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाना है सिंपली से YouTube वाले आइकन पर। जैसे ही आप YouTube वाले आइकन पर जाएंगे तो यहां पर थोड़ा प्रोसेस लेगा, तो थोड़ा प्रोसेस लेने के बाद आपने जो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखा होगा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा चैनल आ गया है, तो आपको यहाँ पर देखिए साइड में सबसे किनारे सबसे साइड में देखिए यहाँ पर ऐसे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है योर चैनल, योर चैनल पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप योर चैनल पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपका चैनल आ जाएगा, ये देखिए मेरे चैनल का आ गया है। तो ऐसा कुछ आपका जो नया चैनल बना रखा हो वो आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली से यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपको सिंपली से एक पेज पर जाके लगा देगा, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सेटिंग ले रहा है, थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। तो इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आइकन खुल के आएगा, थोड़ी देर में लगेगा, तो थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी देखिए पूरी चैनल की हिस्ट्री आ चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है लेआउट और ब्रांडिंग और इन्फॉर्मेशन, ये सब तो मैं आपको बाद बताऊँगा, ये सब तो यूट्यूब चैनल जो बेसिक सेटिंग है उसके बाद का ये सब ऑप्शन आता है, तो ये मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली से सेटिंग वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बन के आएगा, ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर जनरल लिखा है, तो जनरल लिखा है तो ये देखिए यहाँ पर इसको आपको कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसा ही रहने देना, ठीक है। आपको नीचे सिंपली से दूसरे वाले ऑप्शन पर आना है, चैनल वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही आएंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ कंट्री ऑफ रेजिडेंट में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, देखिए यहाँ पर मेरा इंडिया सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है कीवर्ड, ये सबसे जरूरी सेटिंग है। बहुत से यूट्यूबर यहीं पर अपना कीवर्ड नहीं डालते, गलती कर देते हैं और उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको कीवर्ड वही डालना है जिस कैटेगरी का आपका चैनल हो। मान लीजिए आपका टेक कैटेगरी चैनल है, तो आपको कीवर्ड सबसे पहले तो अपने नाम का कीवर्ड डालना है, यानी कि आपका जिस नाम से चैनल हो उस नाम को आप जिस तरीके से लिख सकते हो यहां पर डालिए। उसके बाद जिस कैटेगरी का आपका चैनल होगा, यानी कि टेक कैटेगरी का है, तो टेक कैटेगरी के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको भी यहां डाल दीजिए। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि आपका जो चैनल है वो उन यूट्यूबरों के वीडियो के नीचे आपका चैनल सजेस्ट होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर, जैसे कि मेरा चैनल है सूरज यादव नाम से, देखिए मैंने यहां पर कितने सूरज यादव यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब ट्रिक, यूट्यूब अर्निंग, यूट्यूब चैनल कैसे बना, यूट्यूब यूट्यूब न्यू यूट्यूबर हेल्प अपलोड टू, यानी कि मेरा यूट्यूब कैटेगरी का चैनल है। तो मैंने अपना चैनल यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब ग्रो, यानी कि जितने भी यूट्यूब से रिलेटेड कीवर्ड हो यहाँ पर मैंने सब डाल रखा। इससे होगा ये कि जो भी कोई यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि यूट्यूब पर डालेगा तो उसको मेरा चैनल शो होगा। तो आपका अगर चैनल जिस भी कैटेगरी का हो आपको यहाँ पर वही कीवर्ड डालना है, इससे होगा क्या आपका चैनल कुछ दिन बाद सर्च लिस्ट में आने लगेगा, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपको बिल्कुल नहीं भूलना, ये सेटिंग तो बहुत ही जरूरी सेटिंग है, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद आपको यहाँ एडवांस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो इसमें आपको नो कर देना है, सिंपली से इसमें आपको नो करना है, ठीक। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ लिखा है सब्सक्राइबर काउंट, तो अगर आपको अपने सब्सक्राइबर दिखाने हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगा रहेगा, टिक लगे रहने देना है। अगर आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखाने हैं तो यहाँ पर आप सिंपली से टिक को हटा देना है, देखिए मेरा टिक हटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, अगर आपको सब्सक्राइबर दिखाना है तो रहन देना, अगर आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखाना तो आपको यहाँ पर सिंपली से टिक कर देना, ठीक। उसके बाद सिंपली से यहाँ नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना, ठीक। उसके बाद आपको जाना है फीचर्स में, यहाँ
यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है चैनल के नीचे अपलोड डिफॉल्ट में, अपलोड डिफॉल्ट में आप जैसे ही आएंगे यहाँ देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। इसके बगल में देखिए दिया है एडवांस सेटिंग, आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर इसके बगल में लिखा है कैटेगरी, ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है कैटेगरी। बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं अपनी कैटेगरी नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, जिससे कि उनका चैनल समझ नहीं आता है कि किस कैटेगरी का है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका टेक कैटेगरी का चैनल है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपका कॉमेडी कैटेगरी का है तो आप यहाँ पर कॉमेडी सेलेक्ट करोगे, अगर आपका गेमिंग कैटेगरी का चैनल तो आप गेमिंग कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। तो जिस भी कैटेगरी का चैनल है आपको यहाँ पर वो कैटेगरी सेलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है लैंग्वेज एंड कैप्शन में, यहाँ पर आपको वीडियो लैंग्वेज दिया है तो यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वीडियो लैंग्वेज में आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दिया है दिस कंटेंट है, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन में आप हिंदी सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर सेव कर देना है। बस सेव करने के बाद ये जो सेटिंग है ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, जो अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाओगे तो नया यूट्यूब चैनल बनाने के बाद ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग थी जो आपको अपने यूट्यूब चैनल में करनी ही है। तो ये सेटिंग थी जो बहुत ही बेसिक सेटिंग थी, जो कि आपको अपने यूट्यूब चैनल जो नया यूट्यूब चैनल बनाओगे उसके बाद आपको ये सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं अगर नई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच सके। आप एक नए यूट्यूबर है और आपको यूट्यूब रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब बैनर कैसे लगाएं, यूट्यूब पर थंबनेल कैसे बनाएं, यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे अपलोड करें, यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे एडिट करें, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल सूर्य यादव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेगा, मैं चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।